कि भक्ति में लंबी रेस का घोड़ा कैसे बने, ये तो सभी लोग पूछते हैं। और इसका सीधा साधा उत्तर है, हमें 100 मीटर रेस नहीं करनी है, हमें मैराथन करना है। हमें जीवन के अंत तक, आखिरी सांस तक भगवान की भक्ति करते रहना है। पर प्रॉब्लम ये है कि बीच में भक्ति छूट सकती है, बहुत सारी टेम्पटेशंस होती हैं, रुकावटें होती हैं, संसार में प्रॉब्लम्स होती हैं, डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, तो उससे मन इधर उधर भाग जाता है और भक्ति से लोग छूट जाते हैं, लोग छोड़ देते हैं बात। तो क्या करें कि हम भक्ति पूरे जीवन करते रहें? उसके दो सिंपल सॉल्यूशन हैं, और वो है, सबसे पहली चीज़ है साधु संघ। साधु संघ करने से क्या होता है, ऐसा नहीं है कि हर आदमी जो साधु संघ करता है वो भक्ति अपने वो लंबी रेसा घोड़ा बन जाता है। लोग ज्वाइन करते हैं, साधु संघ तो लेते ही हैं, मगर फिर भी 1 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद घर चले जाते हैं, 10 साल बाद भी चले जाते हैं। मगर लंबी रेसा घोड़ा मतलब 30, 40, 50 साल आपने कर डाला। सिर्फ साधु संघ लेने से काम नहीं चलेगा, साधु संघ लेके क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है। तो जब व्यक्ति साधु संघ लेता है और साधु संघ से जब उसको पता होता है हमें क्या लेना है, साधु संघ से लेना है विवेक। साधु संघ से जब विवेक मिलता है तब व्यक्ति पूरी लाइफ कर सकता है भक्ति। विवेक का मतलब कि उसको ये बुद्धि, ये इंट्यूशन आ जाएगी, बुद्धि आ जाएगी कि माया क्या है और कृष्णा। जब तक ये विवेक जागृत नहीं होगा कि माया क्या है, कृष्णा क्या है, तब तक हम लंबी रेसे घोड़ा बन नहीं सकते। और ये विवेक कैसे जागृत होगा? साधु संघ में, अच्छे साधु संघ में, उस साधु संघ में जिस साधु के पास विवेक है। जब वो खुद ही साधु नहीं जागा हुआ अंदर से, विवेक उसका जागृत नहीं है, तो आपको क्या जागृत करेगा विवेक? तो इसलिए उत्तर हुआ लंबी रेसे घोड़ा बनना है तो ऐसे साधु के साथ संग करो जिनका विवेक जागृत है, पहला। दूसरा तरीका है कि अगर आप अपना संकल्प स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अपना संकल्प स्ट्रॉन्ग करना है कि मुझे भक्ति करनी है चाहे कुछ भी हो जाए, कृष्ण कर्म कृत कैला सर्व कर्म कृत होए, चाहे जीवन में ऊपर नीचे हो, चाहे जीवन की नाव कभी इधर हो कभी इधर हो, चाहे बहुत तूफान आए, फिर भी नाव चलानी है किसी भी तरीके से, उसको कहते हैं संकल्प। तो संकल्प स्ट्रांग रखें। अब संकल्प डगमगाए नहीं जब तूफान आए जीवन का, प्रॉब्लम्स का तूफान आए, तो उसके लिए भागवत कह रहे गुरु कर्ण धारम, कैप्टन गुरु होना चाहिए। गुरु मतलब कोई सीनियर डिवोटी जो आपका गाइड हो। तो एक कोई डिवोटी होना चाहिए जिस पे आप विश्वास करते हैं, जो आपको गाइड कर सकता है, और वो जनरली गुरु होते हैं। मगर इंस्टीट्यूशनल लेवल पर गुरु के बहुत शिष्य होते हैं, तो इसलिए कोई ऐसा कोई डिवोटी हो, आपसे सीनियर हो, आपसे ज़्यादा जानता हो, ज़्यादा एक्सपीरियंसड हो, उसके अंडर रहें, उसकी बात माने। जब तूफान आता है समुद्र में तो नाव चलती है, तो जो कैप्टन कहता है वो ही करते रहते हैं लोग, वरना वो डूब जाएंगे, कोई दिमाग नहीं लगाता। कैप्टन कहता है ये करो, वहाँ पे एंकर डालो, वहाँ पे ऊपर सेल ऊपर करो, सब मानते हैं और बोट बच जाती। सो दूसरा तरीका है गुरु के सानिध्य में रह के अपना संकल्प स्ट्रांग करें। गुरु के आदेश पालन करने से संकल्प स्ट्रांग होता है, और ये दो चीज़ें अगर हमने कर ली तो हम लंबी रेसा घोड़ा बहुत आसानी से बन जाएंगे।